बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द मॉड्यूल नंबर 1। इस मॉड्यूल में हम अपने प्रोजेक्ट को बेसिक सेटअप करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करूँगा। मेक श्योर कि आपके पास लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो का वर्जन हो। तो आप लोगों ने अगर टूल बॉक्स से इसको अपडेट नहीं किया तो आप लोगों ने अपडेट कर लेना है, नहीं तो एंड्रॉइड स्टूडियो की वेबसाइट पर जाकर आप इसे अपडेट कर सकते हैं। हम जिराफ वर्जन यूज़ करें तो आपने भी ये यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है और यहाँ से एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, ना कि एम्प्टी एक्टिविटी। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नेम देना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ स्टेटस सेवर, और नीचे पैकेज नेम और नीचे पाथ, इसका पाथ भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल कोड। इसको ओपन करते हैं और उसके बाद आप लोगों ने मिनिमम वर्जन इससे आप जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस बार 7 कर रहा हूँ, एंड्रॉइड नोगट विच इज़, और लैंग्वेज ओबियसली हम कोटलिन करेंगे। उसके अलावा नीचे आपने नोटिस किया होगा, नीचे एक न्यू ऑप्शन आया है विच इज़ बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, यानी कि जो हम ग्रेडल के लिए पहले हम लैंग्वेज यूज़ करते थे वो होती थी ग्रूवी, तो अभी इन्होंने कोटलिन को भी ऐड कर दिया है, तो हम कोटलिन का यूज़ करेंगे इस वाले प्रोजेक्ट में, ताकि आप लोग कोटलिन को भी यूज़ करना सीख सकें अपने ग्रेडल में। तो चलो यहाँ पर कोटलिन DSL को रहने देते हैं और नीचे फिनिश प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो रहा है, सो लेट इट फिनिश देन वी विल मीट। तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब हमने कुछ इस तरीके से करना है, हमने जो लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है हम उनको सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं, और उसके अलावा हमें जो अपने ड्रॉएबल वगैरह ऐड करने हैं वो हम ऐड कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो मैं आप लोगों के लिए बस स्ट्रक्चर समझा दूँ। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों को ऐप का दिख रहा होगा, तो ऐप के नीचे यहाँ पे जावा का होगा, और जावा के नीचे जो आपका पैकेज नेम रखा होगा वो आ रहा होगा। तो इसके अंदर हम तमाम अपने एप्लीकेशन का बैकएंड लिखेंगे, और रिसोर्सेज के अंदर हमारे जितने भी रिसोर्सेज होंगे, लाइक हमारे लेआउट्स फाइल होंगी, जो एप्लीकेशन का हमारा फ्रंट एंड होगा वो हम रिसोर्सेज के लेआउट फाइल में बनाएंगे। उसके अलावा जो एसेट्स हमारे यूज़ होंगे वो हम ड्रॉएबल में रखेंगे, और जो स्ट्रिंग्स वगैरह होंगी वो हम वैल्यूज़ वाले फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती रहेगी। तो चलो सबसे पहले इस तरह से करते हैं कि जो हमने अपने बिल्ड और ग्रेडर के अंदर सेटिंग्स करनी है, लाइक लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, तो वो सब चीज़ें करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आऊँगा बिल्ड एट ग्रेडल मॉड्यूल लेवल को आपने ओपन करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ना आप लोगों ने करना है क्या है कि बाइंडिंग को ना आप लोगों ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में एनेबल कर लेना है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस फॉलो की होंगी तो आपको पता होगा बाइंडिंग क्या होती है। बाइंडिंग से ऐसा होता है कि हमें फाइंड व्यू पर आईडी करने की नीड नहीं पड़ती, हम सिंपली उसी जो हमारा व्यू होता है हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाइंडिंग की मदद से। तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो हमारा जो ग्रूवी का वर्जन था ग्रेडर का, उसमें हम जिस तरह से बाइंडिंग को एनेबल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, बस राइटिंग का स्टाइल कोटलिन वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्ड फीचर्स, उसके बाद इसके कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे व्यू बाइंडिंग इक्वल टू ट्रू। आपको ज़्यादा ग्रूवी में हम ये इक्वल का साइन नहीं लगाते थे, अगर आपको ग्रूवी का थोड़ी बहुत लैंग्वेज का पता होगा तो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, लेकिन ये ईजी है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही है, तो कोई बात नहीं। एनीवे, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टारगेट SDK और कंपाइल SDK दोनों को आपने 34 कर देना है, और यहाँ पर रेड लाइन शो करेगा, इसको आपने करके मोर ऑल्ट इंटर आपने प्रेस करना है विंडोज़ में, और मैक में ऑप्शन प्लस इंटर, और यहाँ पे ना आप लोगों ने इसे प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पता क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी ऐड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से चेंजेस हैं। तो ये ग्रूवी में हम ये ब्रैकेट्स नहीं लगाया करते थे, यहाँ पे हम अपने ब्रैकेट लगानी पड़ेंगे, और ये लाइब्रेरी का जो नेम होगा वो हमें डबल कोट्स के अंदर देना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने कौन कौन सी लाइब्रेरी इसके अंदर इंक्लूड करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी लाइब्रेरी है वो है हमारी जूमेबल इमेज व्यू की लाइब्रेरी, उसको यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ जूम। तो उसके लिए मैं गूगल पर जाऊँगा, सर्च करूँगा जूमेबल इमेज व्यू एंड्रॉइड। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे GitHub का पहला पेज आएगा, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। जब ये पेज ओपन हो जाए तो आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और इसको कॉपी कर लेना है विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, या फिर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही इसे कॉपी कर लें। उसके बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट करें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को ये एरर दिखाई देगा, आप लोगों ने यहाँ पर ब्रेसेस लगा लेनी है, और यहाँ पर सिंगल कोड को रिप्लेस कर देना है डबल कोड के साथ, और यह अब आपका ठीक हो जाएगा। उसके अलावा कुछ लाइब्रेरीज़ हैं एक्जो प्लेयर वगैरह की, तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फिर आऊँगा गूगल पे, यहाँ पे सर्च करूँगा एक्जो प्लेयर एंड्रॉइड। तो आप लोगों ने टेंशन लेनी, आप गूगल पे जाके सर्च कर लें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर ये जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी वो सारा कोड आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोग वहाँ पर जाके इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
एनीवे तो इसको आप लोगों ने ओपन करने के बाद यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में आना है, हेलो वर्ल्ड में आना है और यहाँ पे इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, ये जो आपको लाइब्रेरी दी हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे मैं मल्टी कर्सर ले लूँगा। मल्टी कर्सर कैसे लेते हैं, मैंने मैक में ऑप्शन प्लस शिफ्ट दबाया, आप विंडोज़ में होंगे तो आपने ओल्ट प्लस शिफ्ट दबाना है। ओके तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ले लूँगा। ये लेने के बाद इसके अलावा भी ना कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि मैंने इंक्लूड करनी है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने ये वाली लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट फाइल वाली, इसको आप लोगों ने इंक्लूड कर लेना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उधर मिल जाएगी। और उसके अलावा भी दो लाइब्रेरीज हैं, वो मैं आपको गूगल से खोल के दिखा देता हूँ। वन इज़ ग्लाइड, ग्लाइड लाइब्रेरी एंड्रॉयड आपने सर्च करना है, ये आपको मिल जाएगी। उसके अलावा एक और लाइब्रेरी है विच इज़ स्वाइप टू रिफ्रेश एंड्रॉयड लिप मिन लाइब्रेरी, ठीक है, ये आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा। एंड्रॉयड डेवलपर कैसे ओपन करना है, यहाँ पर अपना ग्लाइड वाला लिंक ओपन हुआ हुआ है, इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट और यहाँ पर डबल कोट्स लगाते हैं, यहाँ पर डबल कोट्स लगाते हैं और यहाँ पर ब्रेसिस एंड हियर वी गो। आप चाहें तो ग्रोवी भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन मैं यूज़ करना चाहूँगा कोटलिन पे स्विच होना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये कोटलिन का ऑप्शन है, कोटलिन को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली सिंक नाउ कर देना है, आपको बिल्ड एट ग्रेडल का काम हो गया ख़त्म। आपको ये जो ग्रेडल है बिल्ड होने में इसको टाइम लगेगा, तो आपने इसको डाउनलोड रिंग वगैरह जो भी करते हैं इसको होने देना, तो तब मिलते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो चुके हैं, इसके बाद आप लोगों ने कुछ इस तरह करना है कि हमारे जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं ना, फॉर एग्जांपल जितनी भी इमेजेस यूज़ होनी है, फॉन्ट्स यूज़ होनी है, तो वो मैंने सारे एसेट कलेक्ट करके ना आपको एक डिस्क्रिप्शन में जिप फाइल दी होगी, आप लोगों ने उस जिप फाइल को कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ना आप लोगों ने उस जिप फाइल को करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से तमाम डेटा मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने कुछ इस तरीके से करना है, ड्रॉएबल का फोल्डर को ओपन करना है, यहाँ पर जितने भी ड्रॉएबल दिए हुए हैं इनको कॉपी करना है, प्रोजेक्ट में आना है, यहाँ पे ड्रॉएबल के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल प्लस वी से। ये करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट में आना है, फॉन्ट का पूरे फोल्डर को कॉपी करना है, यहाँ पे रिसोर्सेज में आके इसे पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को जो कलर्स है ना, कलर्स की एक फ़ाइल मिलेगी, आप लोगों ने कलर की फ़ाइल को कॉपी करना है, यहाँ पर आना है वैल्यूज़ में और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है, ओके करना है, ओवरराइड कर देना है, ठीक है। ये हमारे जितने भी कलर्स हैं इस एप्लीकेशन के रिलेटेड वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। तो आप सोचोगे ये कलर आपने लिए कहाँ, तो उसके मैं आपको एनालॉजी दे देता हूँ। तो ये जो कलर स्कीम डॉट पी एन जी है, तो मैंने गूगल पे जाकर सर्च किया व्हाट्सएप कलर स्कीम, तो मुझे एक वेबसाइट पे मिल गए, तो मैंने उससे स्क्रीनशॉट ले लिया और ये हैक्स थे, तो इनको मैंने एप्लीकेशन में यूज़ कर लिया और बाकी इनके वेरियंट्स बना लिए, लाइक हाईलाइट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वगैरह, ठीक है, तो वो मैंने खुद बना ली। तो अगर आप भी अपने एप्लीकेशन के लिए कलर्स ढूंढ रहे हैं तो एक बड़ी प्यारी वेबसाइट है जिसका नाम है, यहाँ कोई स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मुझे सही नाम नहीं याद, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अनपैलेट समथिंग उसका नाम है, ठीक है, तो वो आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी ब्रांड के कलर यूज़ करने जाते हैं तो आप उसको गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। एनी वे डेट्स नॉट द पॉइंट ऑफ वीडियो। तो ये चीज़ करने के बाद ना आप लोगों को चीज़ सर्च करना है, थीम्स में आना है, ठीक है। थीम्स में आने के बाद ना आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो फॉन्ट है और जो कलर्स हैं वो यहाँ पे इनिशियलाइज करने हैं, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करने हैं जो आपके कलर्स हैं उनको रेफरेंस दे देना है। तो जो कलर प्राइमरी होगा वो हमारा होगा कलर प्राइमरी, और उसके बाद जो कलर प्राइमरी वेरिएंट होगा, ठीक है, वो हमारा कलर प्राइमरी डार्क, और उसके बाद जो होगा हमारा स्टेटस बार कलर वो हमारा होगा प्राइमरी वेरिएंट। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे एट्रीब्यूट कलर प्राइमरी वेरिएंट, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से करना है, जो हमारा फॉन्ट है ना वो भी यहाँ पे यूनिवर्सली डिफाइन कर लेना है। तो व्हाट्सएप जो फॉन्ट यूज़ करते हैं विच इज़ दिस फॉन्ट हेलवेटिका, तो हम हेलवेटिका यहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे आइटम फॉन्ट फैमिली @ हेलवेटिका, हेलवेटिका रेगुलर, और इसकी जो पैडिंग है हम उसको रिमूव कर देंगे, इंक्लूड फोन पैडिंग को हम कर देंगे फोर्स, ठीक है। और उसके बाद हम अपने जो नाइट के जो हमारे कलर थे ना वहाँ पे भी हम उसको अपने जो प्राइमरी कलर है इसको डिफाइन कर लेंगे हैं, और जो बाकी कलर हैं वो भी आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, लाइक उनको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली, ठीक है। आप चाहें तो नाइट के डिफरेंट कलर भी रख सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू,
बट मैं सेम कलर रख रहा हूँ फॉर टाइम सेविंग। ठीक हो गया, ये चीज़ करने के बाद आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो हो जाएगा सेटअप। अब हमने कुछ सिर्फ ये करना है कि जितने भी हमें फाइल्स और एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होंगी ना, उनको हम ऑलरेडी बना लेते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो चलो जल्दी से, बस लास्ट स्टेप है इस मॉड्यूल का, उसको भी तरह फिनिश कर लेते हैं। तो एज यू नो कि वी आर यूजिंग MVVM इन दिस प्रोजेक्ट, सो हम अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी उस तरीके से रखेंगे। तो हमें जो बैकएंड के लिए फाइल रिक्वायर्ड होंगी, सबसे पहले उनको बना लेते हैं, फिर एक्टिविटी को बना लेंगे और फ्रेगमेंट्स को। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैकेज नेम को क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में आता हूँ और यहाँ पे न्यू पैकेज बना लेता हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी आवर डेटा पैकेज, जिसके अंदर कि हम डेटा के रिलेटेड लाइव रिपोजिटरीज वगैरह रखेंगे। और उसके अलावा एक मॉडल्स का पैकेज बना लेते हैं, मॉडल्स, और एक यूटिलिटी का पैकेज बना लेते हैं जिसके अंदर कि हम अपनी यूटिलिटी फाइल रखेंगे, लाइक एनिमेशन यूटिल्स, फाइल यूटिल्स, स्टोर परमिशन यूटिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, और उसके बाद हमें MVVM के लिए रिक्वायर होता है व्यू मॉडल्स, हम उनको बना लेते हैं, उसका पैकेज बना लेते हैं। और हमें फैक्ट्रीज भी रिक्वायर होंगी, तो व्यू मॉडल्स के लिए फैक्ट्रीज का पैकेज बना लेते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी इन अवर व्यू मॉडल पैकेज, फैक्ट्रीज, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी हूँ। और उसके बाद अपने जो फ्रंट एंड के लिए पैकेज एक बना लेते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी आवर व्यूज़ पैकेज, इसके अंदर हमारे एक्टिविटीज, अडाप्टर्स और फ्रैगमेंट का पैकेज बनेगा, एक्टिविटीज़। और उसके बाद राइट क्लिक, पैकेज, और यहाँ पे एक्टिविटी को की जगह हम कर देंगे फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स का बन गया। और उसके बाद हमारा आ जाएगा अडाप्टर्स का। ठीक है, अब हम जल्दी से जितने भी हमें लेआउट वगैरह रिक्वायर हैं उनको जल्दी से बना लेते हैं। तो हमें तीन एक्टिविटी बेसिकली रिक्वायर होंगी इस प्रोजेक्ट के लिए। वन इज़ गोइंग टू बी आवर मेन एक्टिविटी, जो कि मैंने ऑलरेडी दी हुई है, इसको एक्टिविटीज़ में ले जाते हैं और जाकर पेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा जो हमें दूसरी एक्टिविटी रिक्वायर्ड होंगी, विच इज़ गोइंग टू बी इमेज प्रीव्यू एक्टिविटी एंड वीडियो प्रीव्यू एक्टिविटी, जिसके अंदर कि हम जब भी यूज़र स्टेटस के ऊपर क्लिक करेगा तो आगे इमेजेस की जो इमेज फुल स्क्रीन में आ जाएगी, जूमेबल इमेज व्यू उधर लगा होगा और एक्सो प्लेयर वगैरह लगा होगा वीडियो के लिए, तो वो हम एक्टिविटी बना लेते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जाता हूँ, एक्टिविटी में एंटर यूज़ एक्टिविटी एंड लेट्स नेम इट वीडियोस प्रीव्यू। ठीक है, अब कि इसके बाद हमने दूसरी जो एक्टिविटी क्रिएट करनी है, विच इज़ आवर इमेजेस प्रीव्यू एक्टिविटी। ठीक है, उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक्टिविटी में जाता हूँ, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, और यहाँ पे इमेजेस प्रीव्यू एक्टिविटी। ठीक हो गया, ये हम चीज़ बनाने के बाद ना हमें अडाप्टर रिक्वायर्ड होंगे जितने भी हम रिसाइकलर व्यू बनाएंगे उनके लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इन अडाप्टर को अभी बना लेता हूँ तो आप थोड़े से ना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो उनको अडाप्टर को साथ साथ बना लेंगे। तो जो हमें फ्रैगमेंट रिक्वायर्ड हैं एक्चुअली उनको बना लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रैगमेंट में आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद ना यहाँ पे फ्रैगमेंट में आऊँगा, यहाँ पे ब्लैंक फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट हमारा जो एक फ्रैगमेंट होगा वो होगा स्टेटसेस का। ठीक है, फ्रैगमेंट स्टेटस, जिसके अंदर कि हम अपने स्टेटस शो करेंगे, लाइक व्हाट्सअप के दोनों इमेज और वीडियोज़ वाले दोनों स्टेटस, और जो इमेज और वीडियोस को एक इंडिविजुअली होल्ड करेगा ना, जो मीडिया को होल्ड करेगा फ्रैगमेंट, उसको हम नेम रख देंगे फ्रैगमेंट मीडिया। तो उसके लिए मैं एक न्यू फ्रैगमेंट बना लेता हूँ, या एंड्रॉइड स्टूडियो का बग फिर से आ रहा है और अगेन मुझे क्रिएट करने पड़ेगा फ्रैगमेंट मीडिया, और एक और फ्रैगमेंट हमें रिक्वायर होगा, विच इज़ गोइंग टू बी आवर फ्रैगमेंट सेटिंग्स। ठीक है, फ्रैगमेंट ब्लैंक। अभी यार ये बग फिर से आ रहा है, देखो तो सही इसको, अल्लाह अकबर, फ्रैगमेंट सेटिंग्स। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद हमने कुछ स्ट्रिक्ट करना है, जितने भी हमने फ्रंट एंड वाली एक्टिविटी और फ्रैगमेंट बनाई इनके अंदर हम अपनी जल्दी से ना बाइंडिंग इनेबल कर लेते हैं। तो वो किस तरह से करना है, मैं आपको एक एक्टिविटी की बाइंडिंग दिखा देता हूँ और एक फ्रैगमेंट की बाइंडिंग। उसके अलावा जितनी मैं फ्रैगमेंट और बाइंडिंग की फ्रैगमेंट और एक्टिविटीज़ की बाइंडिंग इनेबल करूँगा वो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो बाइंडिंग कुछ इस तरीके से इनेबल करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा एक्टिविटी के वेरिएबल में, और उसके अलावा यू यहाँ पे बाइंडिंग का एक वेरिएबल लेना होता है, प्राइवेट वेल बाइंडिंग बाय लेजी। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला प्रोजेक्ट वीडियो देखी तो आपको लेजी का पता होगा, लेजी क्या होती है। तो यहाँ पे लेंगे, अगर आपको कोटलिंग का पता होगा तो ऑब्वियसली इसका पता होगा, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर, और उसके बाद यहाँ पे सेट कॉन्टेंट व्यू में हम कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट और बाइंडिंग डॉट अप्लाई। तो इस तरीके से हम अपनी एक्टिविटी में बाइंडिंग को इनिशियलाइज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं
फ्रैगमेंट मीडिया के अंदर आता हूँ और इसके अंदर इसको सेटअप कर लेता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो हमने कुछ इस तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ख़त्म करना है, ये जो हमें कोड दिया हुआ है, सॉरी इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है, ठीक है, और इसको ख़त्म करना है। और इसके बाद ना हमने कुछ इस तरीके से करना है, प्राइवेट वेल बाइंडिंग बाय लीजी फ्रैगमेंट मीडिया बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर। और हमने कुछ इस तरीके से करना है, यहाँ पे इसको नलेबल से हटा के यहाँ पे रिटर्न कर देना बाइंडिंग डॉट रूट। एक्चुअली इसको इस तरीके से करते हैं, इक्वल टू सॉरी, और यहाँ पे रिटर्न हटा देते हैं, डैट्स इट। तो हमारी इस तरीके से हमारा जो है फ्रैगमेंट, इसके अंदर भी हमारी अनेबल हो जाएगी बाइंडिंग, ठीक है। बाइंड अप्लाई यहाँ पे लिख देते हैं। तो अभी हमने कुछ इस तरीके से करना है कि जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं और फ्रैगमेंट्स हैं, इनके अंदर जल्दी से बाइंडिंग अनेबल करनी है, तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आपको मिलता हूँ एक मिनट में। ओके, तो जो हमारे व्यूज़ थे वो तो हमने पूरे सेटअप कर लिए, बाइंडिंग भी अनेबल कर ली और उनके जो फाइल्स बनानी थी वो भी हमने बना ली हैं। तो हमारे जो डेटा के लिए जो फाइल्स यूज़ होंगी उनको बना लेते हैं। तो हमारी एक ही रिपोजिटरी इस प्रोजेक्ट में यूज़ होगी, विच इज़ गोइंग टू बी आवर स्टेटस रिपोजिटरी, जो हमारे स्टेटस हमारी स्टोरी से गेट करेगी और व्यू मॉडल को पॉज करके व्यू मॉडल एक्टिविटी को फ्रैगमेंट वगैरह को जिसने भी लेना हो ले लेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं डेटा में और एक न्यू रिपोजिटरी बना लेते हैं, विच लेट्स कॉल इट स्टेटस रेपो। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा व्यू मॉडल भी रिक्वायर होगा तो वो बना लेते हैं। तो उसका नेम रखते हैं स्टेटस व्यू मॉडल, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे, ये फैक्ट्रीज में आ गए, तो इसको लेके चलते हैं बाहर और अब ये ठीक हो गया। और व्यू मॉडल एक फैक्ट्री बना लेते हैं फैक्ट्री में, जो कि मैं स्टेटस व्यू मॉडल के लिए होगी, स्टेटस व्यू मॉडल फैक्ट्री, ये भी हमारी बन गई। उसके अलावा हमारा व्यूज़ कैप सेटअप हो गया यूटिलिटी में, हमें कॉन्स्टेंट की भी एक यहाँ पे फाइल बनानी पड़ेगी यूटिलिटी में, तो उसको बना लेते हैं कॉन्स्टेंट, विच इज़ गोइंग टू बी आवर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने जितने भी कॉन्स्टेंट होंगे लाइक व्हाट्सअप के पाथ की URI एक्सेट्रा, वो हम यहाँ पे रखेंगे। और उसके अलावा कुछ खास नहीं है प्रोजेक्ट सेटअप करने में, हमारा जितना भी प्रोजेक्ट था वो सेटअप हो चुका है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हम ऑन द वे करेंगे साथ में ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। तो एनीवे हमारा सेटअप हो चुका है प्रोजेक्ट, इससे जो नेक्स्ट दो मॉड्यूल्स हैं उन दोनों मॉड्यूल के अंदर हम अपने बनाएंगे एक्टिविटी के UI को। तो इस वाले मॉड्यूल में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और देख रहे हो मैंने यहाँ पे पेज भी ओपन किया था आपको सब्सक्राइब करने का बोलूँगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय, अल्लाह हाफिज़। कोशिश है मेरी कहता।